लांडी के हालात कौन बेहतर कर सकता है? आप जो तो बोलते हैं हमारा मसला ही नहीं है, ऊपर से बजट ही नहीं आ रहा तो काहे बैठे हो सीटों पे। वसीम अख्तर साहब भी पहले यही बोलते थे अख्तियार नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब से जो मामला हुए जो मछली उनकी डूब गई थी। पाकिस्तान अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद। ईया का नाम बुधो ईया का नाम सही माशाल्लाह। आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। जो करना चाहते हैं वो आ नहीं पा रहे हैं। कौन? आवाम का वो मिलेगा तो मैं सीट पे बैठ जाऊंगा। हैं? और ये लीडर क्या जज्बात रखते हैं इस मुल्क के लिए, मुलाहिजा फरमाइए। 70 साल का कर दिया मैंने इनको कर कर के बड़े मुश्किलों की कमाई। बड़े हो गए जब से ये काट के खाना चाहते हैं, मुझको बन के कसाई। पैदल चलना चाहता नहीं इनमें से कोई भी, सब मांगते हैं मर्सिडीज और हुंडई। बड़े बच्चे थे जो काम के बाहर चले गए, जिनसे थी बेहतरी की आस मैंने लगाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। जस्तजू की टीम जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि कराची के हर इलाके के अंदर जा रही है और पूछ रही है आने वाले आम इंतखाबात में उनके मसाइल कौन हल कर सकता है। इसी तरह आज मैं लांडी के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों से भी मालूम करते हैं क्या लगता है उनको कि लांडी के हालात कौन बेहतर कर सकता है। सर ऐसी हुकूमत से ऐसे लोगों से बेजार है भाई। खुदकुशी अगर आराम नहीं होती ना तो मैं बोलूँ पाकिस्तान में आगे से ज्यादा लोग खुदकुशी कर चुके होते। पानी के डोल लेके घूम रहे हैं यार, मैं आपको दिखाऊं मेरे साथ इलाके में चलो। अभी वहाँ पे बड़े बड़े यूनिट बना के बैठ गए, ये बना के बैठे। जमात इस्लामी ने अपना चेयरमैन बना दिया, उन्होंने अपना बना दिया। लेकिन कोई किसी का आवाम का कोई भी नहीं है। आप जाओ तो बोलते हमारा मसला ही नहीं है, ऊपर से बजट ही नहीं आ रहा तो काहे के लिए बैठे हो सीटों पे। हमारे अख्तियार नहीं है। वसीम अख्तर साहब भी पहले यही बोलते थे अख्तियार नहीं है। अब जो है वो भी ये बोले अख्तियार नहीं है। कुछ होगा, कोई सियासी पार्टी ऐसी नजर आ रही है यहाँ के हल कर देगी मसाइल? मेरी नजर में तो अभी तो कोई भी नहीं। पहले था यहाँ पर मुत्तहिदा थी यहाँ पर माशाल्लाह से। हाँ तो ये कि वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। एमकेएम पाकिस्तान बिल्कुल एमकेएम वो ज्यादा बेहतर। हाँ पाकिस्तान अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद। कौन यहाँ के हालात बेहतर कर सकता है? ईया का नाम बुधो ईया का नाम सही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। ये शिकवा एक माँ बाप का औलाद के लिए जो औलाद नाफरमान निकल जाती है। इसी तरह इस मुल्क ने इन लीडरों को नाम दिया और क्या कुछ नहीं दिया। आज मेरा मुल्क तकलीफ में है, मुश्किल में है और ये लीडर क्या जज्बात रखते हैं इस मुल्क के लिए, मुलाहिजा फरमाइए। 70 साल का कर दिया मैंने इनको कर कर के बड़े मुश्किलों की कमाई। बड़े हो गए जब से ये काट के खाना चाहते हैं, मुझको बन के कसाई। कोई बात अब चलती नहीं मेरी इनके आगे, ये ताकत इनमें पता नहीं कहाँ से आई। पैदल चलना चाहता नहीं इनमें से कोई भी, सब मांगते मर्सिडीज और हुंडई। घर भी बिक गया सब मेरा, बोली इन जालमों ने खुद लगाई। पढ़ाया लिखाया पैसे दे देकर कभी इनकी फीस भी मैंने माफ नहीं करवाई। आज ये इस काबिल हो गए कि घर में खेलते रहते हैं रात दिन खेल चोर और सिपाही। बड़े बच्चे थे जो काम के बाहर चले गए, जिनसे थी बेहतरी की आस मैंने लगाई। काश के घर में बैठे होते तो इधर उधर वाले करते ना मुझ पे चढ़ाई। आ जाओ बेटा घर में, अब मेरी जान निकलने पे आई। अगर मैं मर गया तो जमाने में कहीं भी न होगी तुम्हारी सुनवाई। आपस में हो जाओ सब एक, किस तरह के दोबारा हो न कभी तुम्हारी जुदाई। लाज रखना मेरी और मेरे नाम की, यही तो थी कायदे आजम की लड़ाई। कुछ तो खौफ खुदा करो, तुम सब ने मिल के क्या हालत है मेरी बनाई। कि मसलकों में बट गए हम, जबानों में बांट दिया गया हमें, मगर किसी ने एक कौम नहीं बनाई। कोई चढ़ गया सूली, कोई खा गए गोली, किसी ने जिलावत नहीं पाई। मगर मेरी ये वाली बात मेरे कुछ दोस्तों की अभी तक समझ में क्यों नहीं आई। कहां तक समझाऊं मैं इनको, समझा समझा के थक गया इन्हें मजर भाई। जो करना चाहते हैं वो आ नहीं पा रहे। कौन? बस वो तो सब जानते हैं कौन। अच्छा जो मसाइल हल कर सकता है जी वो आ नहीं पा रहे हैं। जो आ नहीं पा रहे और जो हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे। भरोसा नहीं है कराची में तो कोई है ही नहीं पूछने वाला। हमारे मौलवी साहब अल्लाह पाक उनको कुछ रखे, वो जुम्मे की नमाज में बोल रहे थे कि जो सबसे कम जुर्म किया हुआ होगा ना, सबसे कम जुर्म किया हुआ होगा आप उसको वोट डाल सकते हैं। कौन है ऐसा कम जुर्म किया हुआ? अब आप खुद बेहतर जान सकते हैं कि भाई तो कौन है। अभी देखे नवाज शरीफ साहब वहाँ जो है क्या कहते बैठे थे और वो आ गए। कम जुर्म किया मतलब अच्छा वो जो है क्या कहते जैसे दूध में से धुलावा नहीं होता इस तरीके से आके वो बैठ गए। सही है। और क्या बोल लेंगे वो जो है क्या कहते हैं मुझे सीट मिलेगी, आवाम का वो मिलेगा तो मैं सीट पे बैठ जाऊंगा। हैं लांडी में रहते हैं तो जाहिर बात है अफाक अहमद को सपोर्ट करेंगे। अगर फेयर इलेक्शन हो तो सीट ये वाली हकीकी के पास। पिछले मरतबा कौन जीता? हकीकी की सीट थी, TLP आई थी, लेकिन फिर वो जाहिर बात है मुस्तफा कमाल साहब के जो मामला हुए जो मछली उनकी डूब गई थी। अच्छा
तो हुआ ये, तो वो अभी वो एमकेएम पाकिस्तान में, अब वो एमकेएम अबू बकर साहब के पास आ गई वो, खैर वो भी काम करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एमकेएम पाकिस्तान पे यहाँ पर नहीं, एमकेएम पाकिस्तान का लगता नहीं कि गया, नहीं नहीं, अगर हकीकी नहीं आती है तो एमकेएम पाकिस्तान उसका वोट बैंक लेती है, मतलब क्रेडिट वहाँ जाता है। फिर एमक्यूएम है, एमकेएम पाकिस्तान, मेरे ख्याल से जी एमकेएम हकीकी भी है, पाकिस्तान भी है, कौन सी वाली बोल रहे हैं? नहीं पाकिस्तान, एमकेएम पाकिस्तान जी। एमकेएम पाकिस्तान में कौन ऐसा बंदा है कि लग रहा है कि यार ये हालात बेहतर कर देगा? मुस्तफ़ा कमाल साहब बेहतर, पीपल पार्टी का दौर चल रहा है तो नहीं लग रहा कि इलेक्शन यहाँ से पीपी के अलावा कोई और जीत सकता है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पीपल्स पार्टी काम करवा रही है क्या? बस काम तो नहीं करवा रही, लेकिन उनकी बात कहना चाहूँगा, कैसे खिदमत है आपके लिए कि खुददार तेरे शहर में वो फाके से मर गया और राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। चादरें तो चलती रही मदारों में बहुत, लेकिन चादरें तो चलती रही मदारों में बहुत, लेकिन बाहर जो बैठा था फकीर बेचारा वो सर्दी से मर गया। पहला वोट तो पतंग को ही दिया था। अच्छा, हम लोग पैदा हुए, हमारे दादा ने भी पता नहीं, हमारे वाले साहब ने पतंग को दिया, हमारे को बोला पतंग को, तो जब हम बड़े हुए तो हमने सोचा इमरान भाई को देंगे। अभी उनके हालात आप देख लें क्या हुआ है, अल्लाह मालिक है, देखेंगे। इमरान भाई ने कुछ करके दिखाया था पीटीआई ने? हमारे इलाके में तो भाई टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं करा उन्होंने अभी फिलहाल, बाकी अल्लाह मालिक, ये दो ही ऑप्शन है हमारे पास, पतंग और जमात इस्लाम। इस टाइम तो जो है ना पीपल पार्टी को सब सपोर्ट कर रहे हैं जी, और हम लोग तो है खुद खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना तादाद ज्यादा जो है ना पीपल पार्टी का लगा, पीपल्स पार्टी की जी, वहाँ यहाँ पे जो है ना जितने भी तरक्की काम हो रहे ना वो पीपल पार्टी का, पीपल्स पार्टी करवा रही है। वैसे मैंने बहुत सारे इलाकों में ये बात जी, क्योंकि आती है अब रोड वगैरह जो भी है ना वो तो पीपल पार्टी वाले बनाते, बाकी जो है ना और वोट सपोर्ट इमरान खान को करते बस, कुछ को भी नहीं देना। क्यों नहीं देना? हमारे हालात देखो, वोट क्यों दे हम? कोई ऐसा नजर आता है कि जो हालात बेहतर कर सकता है? बेनजीर थी बस, और कोई नहीं। बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल करके दिखाए, अब वोट तो हम देने को तैयार हैं भाई। किसको? जमात वालों को भी दे देंगे, मुत्तदा भी आ रही है, तो पीपल पार्टी को तो देना नहीं है, बेकार है वो तो। वो अपनों का वोट जो कहते हैं कि अपनों के लिए हैं, अपनों को तो वोट देते हैं, लेकिन फिर अपने हमेशा गैरों से इत्याद करते हैं, उन्हीं गैरों से, इन गैरों से लड़ते हैं कौम परस्ती की बुनियाद पे, और जीतने के बाद जो है उन्हीं से इत्याद करते हैं, वो फिर माजिर को क्या मिलता है? वही कचरे के ढेर। आवाम जो वोट देते हैं ये तो अपनी चॉइस नहीं बदलते, लेकिन जो लोग सियासतदान हैं अगर इनको किसी पार्टी से फ़ायदा नहीं होता तो ये फ़ौरन अपनी चॉइस बदलते हैं। मुझे ऐसा लगता है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है वो बेस्ट हैं, हमारे इस्लामी को मैंने कभी इतना ज़्यादा अपना वोट ना दिया, लेकिन जिन लोगों को वोट दिया है उन लोगों ने क्या करा है? सिर्फ पहले मैंने भाई झूठ ना कहूँ तो पतंग को वोट दिया था, लेकिन पतंग वाले आप देखो यार जितने भी लोग हैं सारे जो है वो गरीब बेचारे उठे और वो मतलब असेंबलियों में पहुँचे, और अब वो असेंबलियों में पहुँचने के बाद डायरेक्ट लंदन और कोई कहीं और कहीं फ्लैट होते हैं, इनकी ज़मीनें और जायदादें प्रॉपर्टियाँ हैं, किसी का पेट्रोल पंप है, लेकिन आवाम जो है वो मजीद पिस्ती चली जा रही है। तो मेरी चॉइस जमात इस्लामी इस वजह से, आज तक वोटिंग की शक्ल नहीं देखी ना पोलिंग बूथ देखा। क्यों भाई? वो इस वजह से क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं जो आगे कुछ करे। जमहूरी हक है ना, आपको देना चाहिए वोट, तो मिले तो सही, मिलता कहाँ है? देने के बावजूद कुछ नहीं होता, क्या हुआ? ना कोई आज तक नौकरी मिली, अप्लाई कर करके थक गए, प्राइवेट जॉब में धक्के खा रहे हैं, आज आए दिन डाउन सर्जी ने फलाना है ढिमकाना है, इन्हीं चक्करों में लगेगा। लैंडिंग हालात किसी ने बेहतर करे? किसी ने नहीं करे भाई, हर जगह के लैंडिंग है। आम इंतखाबात में फिर क्या सोचा? अल्लाह बेहतर करेगा, कुछ नहीं करेगा। वोट नहीं देंगे? नहीं, मैंने तो नहीं देना। क्या बेटा क्या बताएं, किसके बारे में? किसी के माथे पे कुछ नहीं लिखा हुआ मेरे बच्चे, लेकिन ये है कि इंसान में शराफत ईमानदारी यही मेन चीजें हैं बेटा। कोई है ऐसा शराफत ईमानदारी कौन वाला? कौन है? कोई भी नहीं नजर आता मुझे तो ऐसा। जी व्यूअर्स, आपने प्रोग्राम देखा कि लांडी की आवाम कितनी नाखुश नजर आ रही है किसी भी सियासी पार्टी से। लांडी एक ऐसा इलाका था जहाँ पे हमने विजिट किया, हमने ज्यादातर आवाम ऐसी लगी कि वो कहने लगी कि हम वोट नहीं देंगे। वोट आपका जमहूरी हक है, आपको वोट देना चाहिए। हम कराची के अंदर बहुत सारे इलाके विजिट करने वाले हैं, हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ताबिश हैदर और टीम जिस्तजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।